राम जय माता दी। कैसे हो आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं, तो अभी पक्का नहीं है कि क्या करने जा रहे हैं। नहीं नहीं पक्का तो है कि क्या करें, पर ये नहीं है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कुछ जो काम। मैं रहनी जा रहे हैं और मेरी आंखों में पता क्या था, मेरी आंखों में एलर्जी बताई थी डॉक्टर ने, मैंने करवाया था पता, तो एलर्जी बताई थी कि इनमें एलर्जी। अब ये पता नहीं है कि धूल से हो रही है कि किस चीज़ से हो रही है या सूर्य की रोशनी से हो रही है। तो ये चश्मा तो मेरे को धूप में तो परमानेंटली लगा के रखना पड़ेगा, ठीक है। ये इसको मैंने कंटिन्यू किया, फिर मेरे थोड़ा फ़र्क पड़ा, बहुत दिक्कत हो गई। और बस अब मैं निकल गए, लेट हो गए, पहले ही लेट हो गए हैं। चलो और आप लोगों को भी चल दिखाते हैं। जल्दी थी अभी हम लोग जो है पहुंच चुके हैं घनागू वाले रोड में, शमशान घाट दिखाते हैं। कई लोग बोलते हैं जब भी आते हैं शमशान घाट ही दिखाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे यही एक देखने योग्य जगह है, तो मैं क्या दिखाऊं। तो ये यहाँ का व्यू बड़ा प्यारा है, लोकेशन बहुत प्यारी है। अब तो पानी नहीं रहा यहाँ पे, ये देखो दो दो शमशान घाट है। अब जंगल भी अब सूख रहे हैं, अभी तो वैसे धूप पड़ी कहाँ हमारे, हमारे तो धूप है, हवा है हमारी ठंडी ठंडी। आप लोग आइए घूमने इस साइड, बहुत अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे कुछ कारीगरी चल, वाह क्या सुंदर नजारे हैं। सोनी सोनी है सिमलेरी सड़े, नहीं नहीं सिमलेरी नहीं, ओ आगे जो बच्चू आगे सरा फायर ना। सोनी सोनी कड़ा गुएरी सड़े आए छेल छबिली आयो हो सड़े का जिंदे काली कगरी ले आया, काली कगरी ले आया, काली कगरी ले आया। बहारा बरखा बहारा हवा पानी चले नाले ठंडियां फुहारा ठंडियां फुहारा। आधी राती जो द्वार मेरा खड़े के जिंदे काले बदड़ा च बिजड़ी भी चमके कड़के जिंदे काली कगरी लिया हो। आज बहुत दिनों के बाद बहुत सोच समझ के हमने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही बड़ा फैसला होता है ये। तो मैं आई हूँ यहाँ पे दारला में, अपने यहाँ से पहले भी बहुत सारी चीज़ें लेके गई हूँ, तो हम जैसे लोगों के लिए ये शॉपें खुली है जहाँ से हम फाइनेंस करवा सके चीज़। इकट्ठे पैसे नहीं होते देने के लिए। आप लोगों को भी बताना चाहूँगी, आप लोग भी कुछ लेना चाहते हैं, मैंने क्या लिया है वो मैं बाद में बताऊँगी आपको। बैक कैमरे से आपको यहाँ का बता देती हूँ कि है कहाँ पे। तो ये देखिए, ये दारला का जो अपना मेन रोड है हमारा ये, ठीक है, अपना शिमला को गया, इस साइड से आते हैं हम भी, ये शिमला को गया और ये वाला चला गया अपना मंडी, सारे नीचे जहाँ तक भी है, ठीक है। और शाओमी का जो भी यहाँ पे मैं पूरा दिखाती हूँ आपको, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये कोई भी ऐसी प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि मैंने इनसे कोई पैसे लिए हों, ऐसे ही बस जान पहचान के मैंने कहा चलो बता देते हैं। और याचना कम्युनिकेशन है दारला घाट में, किसी का अच्छा हो जाए बिना पैसे के भी तो बहुत अच्छी बात होती है, कभी कभी पैसों से ऊपर भी सोचना चाहिए। तो ये, और आप जब भी यहाँ पे आएंगे आपको ये दो लड़के नजर आएंगे यहाँ पे, मनोज और हनी, और ये बोलते नहीं पर आज तो बोलना पड़ेगा क्योंकि बोलने वाला तो यहाँ पे है ही नहीं जो बोलता था कैमरे में। तो यहाँ से हमने लिया है फोन, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा फोन टूट गया था
और मेरे को फोन की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिना फोन के तो मैं आप लोगों तक कुछ भी नहीं पहुंचा सकती। वीडियो तो चीजें देख लो आप, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, रेफ्रिजरेटर देख इतने बड़े बड़े, अभी बंद उसमें माइक्रोवेव ओवन, और ये गानों का है शायद कुछ सिस्टम, माइक भी आते थे मनोज, सही है ना, कितने का है 1800 है। तो ये देखिए यहाँ पे ये लड़का फाइनेंस करता है, इनका ये अपना इस सिस्टम जो भी है। बाकी बता मनोज मेरा फोन बता कह रहे सुप, हाँ। और बाकी हन्नी बता देगा घर में जाके, एक ये भी हन्नी है और ये भी हन्नी है तो ये करेगा इसकी ओपनिंग, क्या बोलते हैं उसको, अनबॉक्सिंग, सही सही अनबॉक्सिंग क्या इसको पता है। तो यहाँ पे इनके पास ये देखो फोन देख सकते हैं आप, और तीन दो तीन इसके, अब हनी थोड़ा सा बता दे, जैसे स्कीमों में ऐसा होता ना आप ज्यादा मार्जिन मनी भी दे सकते हैं, उससे कम भी लोगों ने लेनी हो ना चीज तो उनके लिए ज्यादा अच्छा हो जाए। आजकल तो पहली बात है भाई बजाज कार्ड इशू नहीं हो रही किसी को भी नहीं है, कार्ड इशू नहीं हो रहे, नए कस्टमर और पुराने कस्टमर एक बराबर सारे। अच्छा अच्छा, नए कस्टमर के उतने पैसे लगेंगे पुराने के भी, अच्छा लेकिन दो तीन स्कीमें हो जाती हैं फोन में, स्कीम ही एक स्कीम जो कार्ड कस्टमर होगा ना, हाँ। अगर उनका एलटीवी 100% होगा सारी किस्तें टाइम टू टाइम जाएगी, हाँ। तो वो ले जा सकते हैं जीरो डाउन पेमेंट में, नए कस्टमर को ये स्कीम है। अच्छा। आप भी स्कीम जीरो में पर आपने बोला मैंने देने, अच्छा अच्छा हाँ देने, फिर ऐसा होता है ना अपने, हाँ मैंने बनवाया है ना वो जैसे पहले लेगी थी फोन में तो हमने टाइम टू टाइम सारी किस्तें दी, कोई किस्त तोड़ी नहीं है, तो ठीक है, तो ये अच्छी बात है, ज्यादा सारे पैसे नहीं होते, अब तो 5G चला है ना, ये अब एक साथ किसी ने 34,000 रूपए नहीं था, ये नहीं भी देते तो कहीं और यूज हो जाएंगे, कहीं और यूटिलाइज कर सकते उनको, अभी यहाँ 10 भी दे देते तब भी अपने पास 23,000 बचने थे बिल्कुल, वो कहीं और यूज हो सकते, ओ बिल्कुल इमरजेंसी पड़ जाए कुछ, हाँ। और अगर हमने कट तो इतने तो सारे होते हैं गांव के लोग, 2,000 रूपए इंटरेस्ट लग रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, 2,000 रूपए ही जाएगा, कितना 11 महीने का टाइम है, लेना होगा किसी से 34,000 रूपए तो उसके लेने पड़ेगा, किसी को 40,000, बिल्कुल सही बोल, मैं सहमत हूँ इस बात से, इसीलिए मैं सबको, और सामान बहुत सारा है इनके पास, कुकर है, प्रेस है, मतलब जो भी आपने लेना, एलईडी जितना भी इलेक्ट्रिकल सामान जितना भी ना सारा है। तो दारला आसपास के लोगों को बताना चाहूंगी, बहुत अच्छी, और इनका बिहेव जो है बहुत अच्छा है बच्चों का इनका, और मैं तो बहुत मजाक करती रहती हूँ, जरूरत पड़ती है, मैं यहाँ से निक पापा के लिए भी लेके गई थी, और भी बहुत से लोगों को दिल हुआ तो ये मैंने आपको एड्रेस बता दिया यहाँ के, आपने लेने होगा, बाकी इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम घर में जाके, और करेगा हनी, तो अभी हम लोग चलते हैं, थैंक यू आप लोगों का, मिस्टर हनी ये भी हनी अच्छी बात कर लो। तो देखिए हम ऐसे काम ले लेते हैं लोगों के, और अच्छी बात है लेने भी चाहिए, ये पाइपे थी ना, और ये जाड़ी, ये पाइपे हमारी नहीं है, और हमारे को इतनी दिक्कत हो रही है ना अब कि उन्होंने काट के नहीं है दी, मैंने सोचा काट के नहीं देवे आपको, फिर वो अपने आप काटेगा ना, जो ये है पर्दों की पाइप है, और ये इसमें सारे वो क्लंप वगैरह जो भी है वो आगे लगते हैं जो भी है, पर ये हमारे नहीं है, मेरे गांव की एक महिला के हैं, मेरी महिला मित्र के फ्रेंड मेरी, तो पता क्या हो जाता है ना, थोड़ा सा वो आई नहीं बेचारी, उसके घर में फंक्शन आया हुआ ना, बहुत बिजी है, उसके सिर के ऊपर भी अकेले के ऊपर है सारा काम, उसको अकेले देखना पड़ता है सब कुछ, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं मैं लेके आ जाऊंगी, है तो मुश्किल होती है, चलो अब अन्नी को पता कितनी दिक्कत आ रही है, कितना इसका डिस्टेंस है, ये परे को रह गए टूटने से भी बचानी पड़ेगी, आगे अगर ट्रक वगैरह गलती से भी टच हो गई तो बेचारे टूट जाने, और बड़ी मुश्किल से करता है कोई भी ना, और आगे अगर आदमी है कोई फिर दिक्कत, देखो कहाँ निकल, जाली तो मैं लेके आई, ये वाली जाली तो मैं लेके आई, तो ये सारी चीजें उसने बोला था कि बस वाले भी कई बार मना करते हैं ना, वैसे उसने बोला था कि अगर बस में हो सका तो ऐसा कैसे होगा, मैं तो गाड़ी में आई तो इनको अकेले छोड़ देती बस में, किसने उतारनी थी, या कोई पैर ही रख देता इनके ऊपर है ना, फिर भी ये मतलब ये होती है ना नाजुक होती है, कोई खड़ा ही हो जाता है इनके ऊपर, पर हो रही है हमारे को दिक्कत इनको ले जाने में,
और ये जाली में अपनी एक कौशल की खिड़की के लिए लेके आई, एक के लिए तो थी मैंने आपको दिखाई थी, एक के लिए लेके आई। जैसे मैं पीछे बैठी हूँ और मेरे को उल्टी ऐसी आने लगी है। तो चलिए अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर में, अभी आपको करते हैं अनबॉक्सिंग फोन की। ये और... हमने लिया है रियलमी 12 प्रो प्लस 5G, ये रियलमी की तरफ से है दिखाई वाली, और इसमें 120x का जूम है गाइस, और हम दिखाएंगे आपको इसका कैमरा। और ये रहा हमारा, वाओ, ये इसके अंदर फोन का कवर होगा और मेन्यू वगैरह होगा। और ये रहा हमारा ये रहा हमारा रियलमी 12 प्रो प्लस। हम अनबॉक्सिंग में खास नहीं है, पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये फोन बढ़िया है, ऐसे ही दिखा सकते हैं। करता हूँ, सबसे बड़ी बात क्या है इसमें बता दो, मेरे को खुशी हुई इसमें माइक क्यों लगता है। ये कुछ फोन है 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले, और कैमरा तो इसका आप देख सकते हैं बढ़िया है, बहुत जबरदस्त। ये कर फिर कैमरा इसका बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त कैमरा है। इसमें 120x का जूम है। तो ये हमने लिया है ईएमआई पर, ईएमआई बोलो क्या बोलो, किस्त बांध ले रहा है, किस्त के ऊपर। और इसका स्टार्ट 67 वोल्ट का चार्जर है सुपर बुक, बस ये था। तो जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय भोले बाबा, जय श्री राम, जय माँ सरस्वती। मेरे मंदिर में जितने भी माता हैं, सबसे पहला मेरा जो वीडियो है वो भगवान का बन रहा है मेरे नए फ़ोन में। तो आप सभी लोगों का, मेरे माता रानी का, सबसे पहले मेरी माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद, गणेश जी का, भोले बाबा का। ये पहला वीडियो है, इसके बाद अब मैं जो भी इसमें वीडियो शूट करूंगी बस माता रानी करें, सभी अच्छे से जाएं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ एक्चुअली ये बेटे की तरफ से कैसे मेरे लिए बहुत महंगा फ़ोन हम ले सके, एक मिनट। और ये फ़ोन मैं अंधेरे में बना रही हूँ, सॉरी ये वीडियो मैं अंधेरे में बना रही हूँ, ये बहुत अच्छी बात हुई इसकी, मतलब बिल्कुल लाइट ऑफ है, पर्दे लगे हुए हैं, और ये बड़ी अच्छी सुविधा है, हम रात को भी वीडियो बना सकते हैं, वाओ मज़ा आ गया। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि फ़ोन जो मेरा फ़ोन था, दो फ़ोन थे, एक बहुत पुराना था एक नया था, और हन्नी के पास जो एक बिल्कुल भी फ़ोन नहीं था पिछले एक साल से, वो ऐसे ही यूज़ कर रहा था, कभी ऐसे ही टूटे फूटे, कभी कहीं से लेके आता था, पैसे नहीं थे, पैसे अब भी नहीं थे। लेकिन हुआ क्या कि फिर मेरे को बड़ी दया लगी, मैंने कहा इतना बड़ा बच्चा है, अब सबके पास फ़ोन है, उसने अपना कोई काम भी करना होगा, होता ही है ना। तो मैंने बोला चल हनी मैं तेरे को फ़ोन ले लेती हूँ, ठीक है, और मेरे पास तो चल रहा है अभी, तो वो भी टूट गया है, लेकिन उसमें वो था, वो करा था हमने वो क्या बोलते हैं उसको, उस कॉम्बो डलवाया था। तो हुआ क्या कि मैं खुश हूँ सच्ची में, बच्चों के अंदर अगर इतनी सी समझ भी आ जाए ना तो माँ बाप को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये है क्या पीछे मेरे को, अच्छा ये मालिश है उनका। तो हुआ क्या, तो हनी ने बोला, मेरे को इतनी खुशी हुई ना, तो हनी ने बोला कि मम्मी मैं क्या करूँगा, मैं तो फिर आप पुराने फ़ोन से भी चला लूँगा, उसकी वो चार्जिंग भी नहीं होती, टूट गया था सारा, दो बार कॉम्बो डलवाया उसमें फ़ोन में, वो कॉम्बो भी डुप्लीकेट डाला उन्होंने, तो वो भी नहीं चल रहा था। और फिर उसने बोला मम्मी आपका काम ज़्यादा है, आपके पास लॉन्ग लाइफ चाहिए फ़ोन की, आप वीडियो बनाते हो, हम जो रोजी रोटी हमारी चलती है वो थोड़े बहुत जो पैसे आते हैं तो वहाँ से आएंगे, आपको अच्छे फ़ोन की ज़रूरत है। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, सच बता रही हूँ, इतनी खुशी हुई कि मेरे बच्चे ने मेरे लिए इतना बड़ा डिसीज़न लिया। तो ये समझो कि इतना महंगा फ़ोन उसी की तरफ से मेरे को है, क्योंकि फ़ोन तो हमने उसको लेना था, और अगर वो बोल देता कि मैंने लेना तो मैं ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती थी। तो ये मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी आप लो और अच्छा फ़ोन लो, उसके लिए तो हमने 20-22 हज़ार का ले लेना था, फिर मेरे को स्टोरेज चाहिए, कैमरा क्वालिटी अच्छी चाहिए, काम तो मेरा यही है इसमें ही है सारा। तो
उस फोन में स्टोरेज भी कम थी। अब वो जो मेरे वाला फोन उसने लिया ना, वो जवाब लग गया देने, अन्य के पास तो था ही बिल्कुल नहीं। तो उसने बोला मेरे लिए अब ठीक है, अभी साल दो साल मैं चला लूँगा मम्मी, जब हमारी कंडीशन ठीक हो जाएगी फिर हम नया फ़ोन ले लेंगे। तो उसको मैंने चार साल चलाया और अभी अन्नी को दिया है, इतना अच्छा फ़ोन था रियल मी 7 प्रो का। तो आप ये वाला ले लो, आपको स्टोरेज चाहिए होती है, बहुत सारी वीडियो आप रिकॉर्ड, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती थी ज़्यादा क्योंकि उसमें स्टोरेज नहीं थी बिल्कुल भी नहीं रही हुई, तो इस वजह से फिर हमने ले लिया। और ये वाली वीडियो भी नए फ़ोन में ही शूट हो रही है, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है। बाकी आप लोग बताना, बाकी सबसे बड़ी बात उसमें माइक लग सकता है, फ़ोन जो दूर रख के हम गाना वगैरह गाना हो, गिद्दे में जैसे कुछ भी शूट करना हो, तो वो चीज़ के लिए बहुत अच्छा हो गया, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और माता रानी का धन्यवाद, मेरी इतनी नई औकात मेरी महामाई है जो मुझे इस काबिल बना देती है, और मेरी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है। तो मेरी माता रानी का आशीर्वाद है, मतलब ये समझो कि 37,000 का मेरे को ये पड़ा ब्याज, अगर हम ऐसे ले लेते तो ये 33 तक आ जाता, 33.5 तक आ जाता है। अब हमारे पास कैश, हमारे पास पैसे थे ही नहीं, तो हमने जैसे आते रहेंगे ना तो हमने पूरा ये फाइनेंस करवाया, थोड़े से पैसे दिए थोड़े से, तो ये हमारे को 37,000 का, 37 के अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही रख लो तो उतने का पड़ा। लेकिन चलो अब ये कि किसी ने कहा था कि आईफोन लेना, तो सॉरी हम आईफोन नहीं ले सकते, हमारी इतनी वो नहीं है अभी, फाइनेंस करवा के उसको, लेकिन किस्त भी तो ज़्यादा पड़नी थी उसकी, नहीं अभी नहीं, जब कभी होगा ना। और देखो अंधेरे में वीडियो बन रही है, उसमें अंधेरे में नहीं बनती थी, इसमें बहुत सारे फंक्शन है, आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी, ठीक है। तो जय माता दी, राम राम।